वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं श्रद्धा। आज मैं एकदम न्यू वीडियो लेके आई हूं। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, सो ये होने वाला है मीशो हॉल। सो मीशो से मैंने कुछ अंडर 300 to 400 रुपीस के अंदर सारे मैंने ड्रेसेस मंगाए हैं गाइस। सो ये बॉडीकॉन ड्रेसेस एंड एक दो कुर्तीज सेट है। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो बेस्ट है या वर्स्ट है ये आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और मुझे इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कर लेना गाइस। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। ये है वो कुछ ड्रेसेस, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोग को ये वाला दिखाऊंगी। सो ये वाला है एक ग्रीन कलर में गाउन। सबसे फर्स्ट वाला है ये वाला। सो ये एकदम ऐसा ग्रीन कलर में है और इसके ऊपर व्हाइट कलर के स्ट्रैप्स दिए गए गाइस। ऐसा व्हाइट कलर के इस पे स्ट्रैप्स दिए गए, काफ़ी अच्छी ड्रेस है गाइस। ये कॉटन मटेरियल में है और एकदम फ्लोई फ्लोई सी ड्रेस है। मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी और आपके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। साइड में आप लोग को वीडियो दे दूंगी कि मैं पहनने के बाद ये कैसा लग रहा था एक्चुअल में। सो डेफिनेटली गो फॉर दिस गाइस, आई लव दिस ड्रेस गाइस। सो काफ़ी समर अप्रोप्रिएट ड्रेस में से कहूँगी, बिकॉज समर्स में काफ़ी लाइट और ऐसे फ्लोई फ्लोई ड्रेस ही पहने जाते हैं। सो आप लोग समर्स के लिए ये वाली ड्रेस ले सकते हो। एंड नेक्स्ट ड्रेस की बात करूँगी, नेक्स्ट ड्रेस है एक बर्थडे पार्टी के लिए। सो नेक्स्ट ड्रेस है गाइस ये वाली। ये है मरून कलर में, मैंने इसे लिया है और ये इतनी चीप प्राइस में मुझे मिली और मीशो में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी ये ड्रेस। काफ़ी टाइम पहले काफ़ी लोगों ने ये वाली ड्रेस ली थी, सो मैंने भी इसे ले लिया। एंड यहाँ पर कुछ कट दिया गया है इस तरीके से, और फ्रंट से ये ऐसी है एंड इसका बैक ऐसा बेसिक चेन है इसको, एंड इस पर भी स्ट्रैप्स दिए गए हैं। आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा सा मुझे इसका जो गला है वो डीप लगा गाइस, और मुझे यहाँ से लूज हो रहा था सो इसे मैंने थोड़ा सा अल्टर कराया है। यू कैन सी यहाँ पर, सो इसे थोड़ा सा मैंने अल्टर कराया बिकॉज मुझे क्लीविज एरिया में थोड़ा सा डीप लग रहा था इसलिए। बाकी वैसे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है कपड़ा, इसका काफ़ी अच्छा है, ब्रीदेबल है और पहनने के बाद तो एकदम मस्त लगता है। मुझे तो ये ड्रेस 10 out of 10 लगा, सो आप लोग डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट ड्रेस है गाइस जो कि मैंने अभी पहनी हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा सा ब्राउन कलर में है और इसके ऐसे फ्लफी स्लीव्स दिए गए हैं गाइस, यू कैन सी। और ये एकदम अच्छा सा कपड़ा है और ये नी लेंथ तक आता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ज़्यादा करके डार्क कलर्स, मरून कलर्स ये सब अच्छे लगते हैं, सो इसलिए मैंने इसे वाइन कलर में ऐसे मंगाया है कि मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग थम्स अप है। सो मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग आपके हिसाब से एसेसरीज और हेयर स्टाइल वगैरह करके इसे कर सकते हो। आप बर्थडे पार्टी में भी पहन सकते हो, ऑफिस पार्टी में, गेट टुगेदर में, सारे जगह आप ये बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकते हो। सो मुझे ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लगी और इसका जो है गला वो फुल गला है, सो गर्मी में थोड़ा सा गर्म हो सकता है गाइस। बाकी ओवरऑल ड्रेस में कोई भी खराबी नहीं है। आप इस ड्रेस को एज अ टॉप भी पहन सकते हो, लिटरली मुझे ये टॉप जैसा भी काफ़ी अच्छा लगा। ये भी मैं 100% आपको रिकमेंड करती हूँ गाइस। सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस रहेंगे मैं यहाँ पर स्क्रीन पे ज़रूर दे दूंगी गाइस, और इन सभी के कोड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला। सो ये भी है एक अनदर बॉडीकॉन ड्रेस, यू कैन सी। सो ये कुछ इस तरीके से है, इसका भी गला जो है वो फुल है एंड इसके जो हाथ पे है यहाँ पर आपको नेट के स्लीव्स मिलते हैं पफी वाले। सो दोनों तरफ काफ़ी अच्छे से स्लीव्स दिए गए हैं, और ये जो ड्रेस है ये मुझे थोड़ी लूज हो गई है गाइस, बट एक्चुअल में कहूँ मैं सच बताती हूँ इसका जो कपड़ा है ना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ये एकदम चीप क्वालिटी का बोलते हैं ना उस टाइप से एकदम हल्का कपड़ा लग रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है, इससे पहनने के बाद तो ओके लग रहा था, थोड़ा सा मुझे लूज भी था ये कपड़ा। सो बाकी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है। इसके बैक में एंड इसके बैक में यहाँ पर चेन दी गई है गाइस, यू कैन सी, और पीछे बैक में यहाँ पर एक कट है। अगर आप लोग इस ड्रेस को ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे कपड़ा हल्का सा चीप क्वालिटी का लगा, सो 50-50 में बताऊँगी इसके बारे में,
मैं इसे रखूंगी कि नहीं, मैं सोच रही हूँ। 50-50 है मेरा 10 out of 5। अभी नेक्स्ट ड्रेस की पारी गाइस। सो ये वाला, ये जो ऊपर पैटर्न दिया हुआ, ये वाला वो ड्रेस है। एंड ये सारे ही ड्रेसेस मैंने XL और डबल XL साइज में मंगाई हूँ। ये वाला है, सो ये कुछ इस तरीके का है। इसका कपड़ा थोड़ा सा पतला है, यू कैन सी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी लग रहा है गाइस मुझे, बट उतना ट्रांसपेरेंट तो ये नहीं है। और ये मुझे हल्का सा लूज है गाइस, ऊपर का है, ये कॉर्सेट टाइप है एंड नीचे कुछ इस तरीके का ये स्कर्ट दिया गया है। और ये स्ट्रेचेबल है गाइस स्कर्ट वाला। एंड ये कुछ इसका इतना लेंथ है, इसका इतना लेंथ है। सो ये दोनों जो है पहनने के बाद इतने मस्त लगते हैं ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं यहाँ पर साइड में जो है वीडियो अटैच कर दूंगी गाइस, सो ये पहन के कैसा दिखता है। मैंने 437 में लिया था गाइस। सो प्राइस के अकॉर्डिंग ये ड्रेस काफी अच्छी है, आप लोग कोई भी ऐसे गेट टूगेदर पार्टीज में वगैरह आप पहन सकते हो। और इसमें काफी सारे शेड्स और साइजेस भी अवेलेबल है, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस गाइस। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट मैं आप लोग को एक कुर्ता सेट दिखाऊंगी। सो ये है वो कुर्ता सेट जो कि मैंने 400 में लिया था, बट अभी थोड़ा सा सेल में आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, सो आप लोग देख लेना। इसके फ्रंट पे कुछ इस तरीके का है गाइस, ये राउंड नेक दिया गया है एंड काफी अच्छा सा इस पे प्रिंट है। ओवरऑल कुर्ते पे पूरा ही इस पे प्रिंट दिया गया है गाइस, एंड इसके बैक पे भी प्रिंट है। सो ये जो बीच का काम किया गया है वो धागे से किया गया है, एंड ये साइड के सारे प्रिंट्स हैं। एंड इसकी जो बॉटम है ये भी काफ़ी अच्छी है, ये पूरी ऊपर से ये पूरी प्लेन है एंड लास्ट में नीचे यहाँ पर ये वाला ऐसा वॉक किया गया है गाइस, यू कैन सी। एंड इसकी जो कमर है वो स्ट्रेचेबल है गाइस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इस ड्रेस के साथ मैंने एक दुपट्टा भी लिया था गाइस, जो कि काफी मस्त कॉम्बिनेशन है, एकदम कॉम्प्लीमेंट करता है। सो ये रहा वो दुपट्टा। सो ये कुछ इस तरीके का दुपट्टा है, कॉटन का नहीं है। तो इस कपड़े को क्या बोलते हैं, जॉर्जेट है, आप लोग देख लेना एक बार। सो इसका जो लेंथ है वो एकदम अच्छा है गाइस, यू कैन सी एकदम बड़ा दुपट्टा है गाइस। और ये अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था। इसके साथ ये दुपट्टा इतना मस्त जा रहा था गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्लिप में आप लोग जरूर देख लेना साइड में। सो डेफिनेटली थम्स अप फॉर दिस। ये दुपट्टे के लिए भी और ड्रेस के लिए भी डेफिनेटली आप लोग ये ले सकते हो गाइस। ड्रेस मैंने आप लोग को दिखाई, ये वाली ड्रेस को मैं 3 से 4 बार पहन चुकी हूँ और इसे मैंने वॉश भी किया है काफी बार, बट इसका जो लुक है, इसका जो प्रिंट है, इसकी जो शाइनिंग है वो टस से मस्त गिली भी नहीं है और गई भी नहीं है गाइज। एक्चुअली वहाँ से जो है हवा काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसके वजह से ये फ्रेम जो है हिल रहा है। आई एम सो सॉरी, बट मैं कितनी देर रुकूँ वीडियो शूट करने के लिए, इतनी अच्छी हवा आती है मेरे घर में, से मैं क्या करूँ। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मीशो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीप होते हैं, इतने भी अच्छे, बट एक दो वॉश के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन शॉपिंग मीशो से ही मैं करती हूँ, मीशो अमेज़ॉन, मैं मिंत्रा से वगैरह नहीं लेती हूँ, बिकॉज मिंत्रा पे वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं क्लोथ अकॉर्डिंग टू मीशो। सो मैं मीशो से ही ज़्यादा करके लेती हूँ। और नेक्स्ट और लास्ट ड्रेस है ये वाली। सो ये मैंने अभी नहीं ली हूँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले ली हूँ। प्रीति प्रीति पिंक कलर में है। सो ये कुछ इस तरीके के ड्रेस का इसका फ्रंट है राउंड नेक के साथ। सो ये काफ़ी अच्छा सा है और इसके जो है फुल स्लीव्स दिए गए हैं एंड स्लीव्स के यहाँ पर ऐसा बटन दिया गया है गाइज, यू कैन सी। सो स्लीव्स जो है इसके काफ़ी लंबे, यहाँ पर जो है आपको चुन चुन आएगा, सो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड इसका ओवरऑल लेंथ भी ओके गाइज। और इसके साथ मुझे कोई भी पैंट रिसीव नहीं हुआ था यार, मुझे जब मैंने ये मंगाया था मुझे ऐसा लगा था इसके साथ वो बॉटम वेयर भी साथ में आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, इसके साथ सिर्फ ये अपर एंड दिस इज दुपट्टा, ये दो ही आया। सो काफ़ी अच्छा सा ये लगता है जब हम लोग पहनेंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके स्लीव्स काफ़ी प्यारे हैं। बात करें दुपट्टे की, तो दुपट्टा तो एकदम मस्त है गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसका पूरा ऐसा काम किया गया, पूरे दुपट्टे में आगे के साइड पर ये काम किया गया पूरा। और इसे मैंने 2-3 बार पहना है, वॉश किया है मशीन में भी, इसे मैंने वॉश किया है, जो ये वर्क किया गया है ये बिल्कुल ही गया नहीं है किसी भी चीज़ का। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये प्रोडक्ट, से इसलिए मैंने इस वीडियो में भी इसे ऐड कर दिया।
ये वॉश के बाद वाला रिव्यू वाला प्रोडक्ट है, सो डेफिनेटली गो फॉर दिस। और इसकी प्राइस भी काफी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये ड्रेस एकदम मस्त है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और मेरे फैमिली का पार्ट बनिए गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और सारे प्रोडक्ट्स के कोड्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो जरूर चेकआउट करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इन फ्यूचर भी लाते रहूंगी, सो प्लीज मुझे सपोर्ट करना गाइस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।